डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में सेवन्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हैव बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिए गए वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो बोलने में सेम प्रोनंसिएशन, सेम साउंड देते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे साइड, राइड, हाइड। तो देखिए तीनों क्या है? राइमिंग वर्ड। इन तीनों की प्रोनंसिएशन, तीनों की साउंड जो है वो बिल्कुल सेम है। साइड, राइड, हाइड। साइड मतलब होता है एक तरफ हो जाना, मतलब तरफ। राइड मतलब किसी चीज़ के ऊपर राइड करना, सवारी करना। और हाइड मतलब होता है छिपना। नेक्स्ट है फ्राई, क्राई, ड्राई। फ्राई मतलब किसी भी चीज़ को फ्राई करना, क्राई मतलब रोना, और ड्राई मतलब सुखाना। नेक्स्ट है रिंग, किंग, विंग। रिंग मतलब अंगूठी, किंग मतलब राजा, और विंग मतलब होता है पंख। नेक्स्ट है रेन, मेन, पेन। रेन मतलब बारिश, मेन मतलब होता है मुख्य, और पेन मतलब होता है दर्द। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर कोई आपको राइमिंग वर्ड ध्यान में आता है तो आप अपने हिसाब से भी राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स लगाने हैं। हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। देखिए बच्चों, जो भी यदि हम ए आर्टिकल लगाते हैं तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाले वर्ड की उसकी साउंड देखनी होती है। यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो आपको ए लगाना है, यदि वो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो आपको एन लगाना है। और यदि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जैसे कोई यूनिक वर्ड है या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द डिग्री है, इस तरह से कोई न्यूज़पेपर का नाम है, इस तरह से कोई भी वर्ड होता है तो हम द लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, आई वॉन्ट टू ईट डैश आइसक्रीम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आइसक्रीम है, आइसक्रीम, तो ये जो है अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड। आई जो है वोवल है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, एन। आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम। नेक्स्ट आइए सेकेंड पार्ट पर, कैन यू क्लोज डैश डोर ऑन योर राइट साइड। तो देखिए आपको डोर को देखना है, उसने कहा है कैन यू क्लोज द डोर ऑन योर राइट साइड। तुम्हारे राइट साइड पर जो डोर है क्या तुम उसे क्लोज कर दोगे? तो इसमें एक स्पेसिफिक डोर की बात की जा रही है कि जो डोर तुम्हारे राइट साइड है, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द। नेक्स्ट है इट टेक्स मी डैश आर टू कम्प्लीट माई टास्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड है हमारा वो एच से स्टार्ट है, लेकिन जो इसकी प्रोनंसिएशन होती है वो है आर। तो इसमें अ की साउंड से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, एन। इट टेक्स मी एन आर टू कम्प्लीट माई टास्क। नेक्स्ट है फोर्थ, माई सन इज डैश डॉक्टर। अब डी से स्टार्ट है, ड डी से स्टार्ट है, जो कि कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ए। माई सन इज ए डॉक्टर। नाउ नेक्स्ट आइए सी पार्ट पर, वट डू यू थिंक वाई ग्रोन अप से द थिंग्स मैंशन इन द पोएम चीवी। यहाँ पर बोला हुआ है जो हमारी पोयम है चीवी, उसमें उसने कहा था कि जब भी ग्रोन अप, ग्रोन अप का मतलब होता है हमसे बड़े, जब भी हमारे बड़े हमें किसी चीज़ के बारे में कहते हैं तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? तो देखिए आंसर क्या है, ग्रोन अप सेज द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशन इन द पोयम बिकॉज दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। हमारे बड़े, हमारे ग्रोन अप्स जब भी हमसे किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर गुड मैनर्स इनकलकेट हो, गुड मैनर्स वो सीखें, और वो किस तरह से पब्लिक में बिहेव किया जाता है, तो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमारे बड़े हमें किसी चीज़ के लिए कहते हैं। नेक्स्ट आइए, व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रोन अप स्टार्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन ऑल द टाइम। क्या होता है जब हमारे बड़े बच्चों को हर टाइम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं? व्हेन द अडल्ट्स गिव टू मैनी इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन, दे किल देयर चिल्ड्रन स्पोंटेनिटी
स्पॉन्टेनिटी एंड विलिंगनेस टू यूज़ हिज हर माइंड टू अंडरस्टैंड लाइफ। जब भी हमारे अडल्ट हमें हर एक चीज़ के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे की स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है मतलब उसकी कैपेबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं वो, उसकी इच्छा को ख़त्म कर रहे हैं वो कि किस तरह से लाइफ को वो खुद समझ सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जब तक हम किसी काम को करके नहीं देखते तब तक हम सीखते नहीं हैं। तो यही हाल हमारे छोटे बच्चों का होता है, जब तक वो एक दो बार गिरेंगे नहीं, चोट नहीं खाएंगे, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक वो समझेंगे नहीं। तो कई बार हमारे बड़े क्या होते हैं, हमें वो लाइफ को करके सीखने वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट आइए डी पार्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको डिटर्मिनर फिल करने हैं, एनी, हूज, सम और देयर। तो फर्स्ट देखिए क्या है, डैश पेन इज दिस, यहाँ पर आएगा हुज पेन इज दिस, हुज का मतलब होता है किसका, तो यह पेन किसका है। नेक्स्ट है दे आर वेरी सैड बिकॉज देयर टीम हैज़ लॉस्ट द मैच, वो बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि उनकी टीम जो है वो मैच हार चुकी थी। तो देयर का मतलब होता है उनकी टीम, तो यहाँ पर आपको कौन सा डिटर्मिनर लगाना है, देयर। नेक्स्ट आइए, इज देयर डैश पेंसिल इन योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में कुछ पेंसिल्स हैं। तो देखिए बच्चों, पेंसिल जो है वो काउंटेबल थिंग है, उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो किसी भी काउंटेबल चीज़ के साथ हम हमेशा एनी लगाते हैं। तो क्या तुम्हारे बैग में पेंसिल है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनी पेंसिल इन योर बैग। नेक्स्ट है आई ऑलवेज कीप डैश स्वीट्स इन माई लंच बॉक्स, मैं हमेशा अपने लंच बॉक्स में कुछ स्वीट्स रखता हूँ। तो सम जो है वो हम अनकाउंटेबल चीज़ के साथ लगाते हैं, तो स्वीट्स को हम एज ए काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा सम, सम स्वीट्स इन माई लंच बॉक्स। नाउ नेक्स्ट आइए ई पार्ट पर, कंपोज ए शॉर्ट पोएम 4 to 6 लाइन्स ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर छोटी सी पोयम लिखिए। हेयर आर सम सजेस्टिव टॉपिक्स फॉर यू, यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, रेन के ऊपर लिख सकते हैं आप, माई मदर के ऊपर लिख सकते हैं, स्कूल डेज के ऊपर लिख सकते हैं, द सन, चाइल्डहुड या फिर फ्रेंड के ऊपर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर माई मदर के ऊपर एक छोटी सी पोयम लिखी है, आपको जो पसंद हो, जो सा भी टॉपिक आपको अच्छा लगे, आप उस टॉपिक के ऊपर अपने हिसाब से 4-6 लाइन की एक पोयम बना सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बनाई है, माई मदर माई फ्रेंड सो डियर, थ्रू आउट माई लाइफ यू आर ऑलवेज नियर, ए टेंडर स्माइल टू गाइड माई वे, यू आर द सनशाइन टू लाइट माई डे। तो देखिए यहाँ पर ये पोयम है क्योंकि मैंने इसमें राइमिंग वर्ड्स यूज कर दिए, डियर, नियर, वे, डे। तो ये क्या है, मेरी माँ मेरे फ्रेंड जैसी बहुत ही प्यारी है, पूरी की पूरी लाइफ वह मेरे पास रहती है, मतलब मेरे हर छोटे बड़े लाइफ में, लाइफ को जो एक्सपीरियंस होते हैं उनमें वो मेरे पास होती है। ए टेंडर स्माइल टू गाइड माई वे, वह अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल रखकर मुझे गाइड करती हैं, मुझे सलाह करती हैं। यू आर द सनशाइन टू लाइट माई डे, और वही है जिसको, जो मेरे दिन की सनशाइन है, मतलब अगर वो चली जाती हैं मेरी लाइफ से तो हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि अंधेरा हो गया है लाइफ में, तो वो मेरे दिन की मतलब सनशाइन है, सूर्य की रोशनी है वो मेरे लाइफ के लिए। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी अपने पसंद के टॉपिक पर अपनी छोटी सी पोयम क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारी असेसमेंट वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।